आपकी खुशी में शामिल होने के लिए, खुश होने के लिए हमारे कुछ और सेलिब्रिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, जो कि मुझे लगता है ये ऐसे पॉजिटिव लोग हैं जो हर किसी की खुशी में खुश होते हैं। आप उनको अक्सर मेरे शो पे भी देखते होंगे, बड़े मज़े मज़े की टिप्स देते हुए, अपने हवाले से कोई ना कोई चीज़ें आप लोगों से शेयर करके कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको सिखा सकें। सो आइए वेलकम करते हैं हम अंबर खान, सादिया फैसल, और अभी तीसरी ट्रैफिक में फंसी हुई है। आइए वेलकम करते हैं सादिया फैसल एंड अंबर खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसी हैं? आप बताएं। ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? बिल्कुल भाई, मैं कहना चाहूंगी ये सबके सामने, अंबर हमारी वो पुरानी गेस्ट है, जब भी कोई खुशी का लम्हा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में हुआ है ये मौजूद रही हैं, और नए गेस्ट जो खुशी के लम्हात में शामिल होना शुरू हुए वो सादिया है। क्योंकि सादिया तुम पहले इस दफा मतलब कभी भी किसी ढोलकी वोलकी में हमारे साथ नहीं आई? नहीं, ये फर्स्ट। लेकिन रस्मों वाले प्रोग्राम में आई गेस्ट तुम आई हो कि नहीं? नहीं, मैं रस्म अपने शादी के जोड़े लेकर, मैं अपने शादी के जोड़े, अपने हाँ। शादी के फंक्शन, अच्छा। और शो में, और भाई के हाँ। शो में आई थी। बल्कि मैं अभी बताऊं, 4-5 रोज पहले सोचती यार, माशाल्लाह जो वेडिंग्स हुई हैं हाँ। सीजन हाँ। कितना ग्रैंड यार, वाइनिंग अब नहीं होती वरना इनकी दोनों बेटियों की, इतना मजा आता था। मतलब मैं कुछ दिन पहले ही ना, 4-5 दिन पहले किसी से डिस्कस कर रही थी, मैं कहूँ वो अब तो हो ही नहीं रही, वो अलग था, होना चाहिए, बहुत ग्रैंड होता था, वो बहुत अच्छा था, वो था। आई डोंट नो, लोगों ने इतना एंजॉय भी किया, हम ट्रोल बहुत हुए उसके, मेरा नाम पड़ गया शादियां कराने वाली यार, अब तो नहीं क्या, सुनो अब तो गैप आ गया ना, अब होना चाहिए। चलो अगर लोग मुझे SMS करके भेजे कि वो मिस करते हैं वो शादी वीक्स, अगर लोगों की ज्यादा वोटिंग होगी ना, तो फिर हम सीधा आवाम को मेकअप कपड़े ये सब रौनक अच्छी लगती है। हाँ, मतलब हम जैसे आर्टिस्ट, ये नहीं है कि हम वहाँ थे, मैं खुद मजाक आता था, हाँ, इतना एंजॉय करते हाँ, थे। और ARY जिस तरह से उसको डेकोर करता था ना और उसको प्रेजेंटेशन, दैट वाज ऑसम। हमारे जो सेट डिजाइनर होते थे ना, मैं आपको भी बताऊं, हमारे सेट डिजाइनर, उनको ऑफर आना शुरू हो जाती थी, सुने हमारी बेटी की शादी का भी सेट लगा दे, मजा आता था। सो वो ये वाला एक चीज, रौनक, आर्टिस्ट, बड़ा मजा। मतलब डांस की प्रैक्टिसेस के लिए भी आते थे, बड़ा मजा है। फुल मुझे अपने बच्चों की शादी के लिए फुल ट्रेनिंग तो मिल गई है। हाँ, अपने बच्चों की शादी के लिए जब उनका वक्त आएगा, तुमने अपने भाई की भी की शादी, कितनी अच्छी माशाल्लाह, और बहुत एनर्जी होती थी। खैर एनर्जी तो आप में अभी भी है, लेकिन बहुत ना एनर्जी, बड़ा एंजॉय किया है, मुझे बहुत खुद भी बहुत मजा आया। डांसेस भी, परफॉर्मेंसेस जो मेहंदी में होती है, सब करती है मैंने मैंने सब। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।